आज की वीडियो में जाने वाले अपन महाकाल की नगरी कुंडली से जो टीकमगढ़ के पास में है। टीकमगढ़ अस्पताल चौराहे के पास सीधा परिक्रमा लेते अपन निकलेंगे सीधा मार्केट की ओर। और इधर पे भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिमाएँ बनी राय माता की। अरे टीकमगढ़ का तालाब जैसे देख ही पा रहे कितना बड़ा है, बहुत बड़ा तालाब है इधर पे। और ये उन सभी वीर क्रांतिकारी को की प्रतिमा दिखाने की कोशिश की गई है जिन लोगों ने अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। और इधर का एक्सीलेंस स्कूल इधर गेट नंबर वन और गेट नंबर टू एक साथ ही है। और फिर आगे एक पृथ्वी पर रखी हुई पृथ्वी को निहारते हुए आगे बढ़े अपन लोग। और फिर इस तरीके उनका महाविद्यालय टीकमगढ़ जैसे पीवी कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। और एक कुंडलेश्वर का बोर्ड देखिए पूरा रह जाता है इधर से। कुंडलेश्वर द्वार इधर से रहता है करीब 2 से 3 किलोमीटर के लिए कुंडलेश्वर। और फिर अपन पहुँच गए भोलेनाथ की नगरी कुंडलेश्वर। इधर पे अपना गाड़ी खड़ा करना है और फिर थोड़ा सा वीडियो बनाने लगा मैं आगे निकला आप देख रहे। और ये इधर पे प्रसाद की दुकान है, इधर से मतलब कोई भी आता है तो प्रसाद लेता है। और इस साइड में भी कुछ दुकान है जैसे आप देख पा रहे, और भी सामान मिलता है। तो चलो अपन चलते हैं मंदिर के अंदर। ये सीढ़ियों पर बैठे अंदर से बंदर और अपन चलेंगे मंदिर के अंदर। ये महाकाल का मंदिर जैसे आप देख ही पा रहे हो कितना सुंदर और स्वच्छ रखा जाता है इधर पे। और हाँ इधर पे कौन कौन आया है अगर कोई आया हो तो बताना भाई कमेंट कर दे। इधर पे मंदिर के अंदर दिखाने की कोशिश की है। और ये बगल में बना राम मंदिर कुंडलेश्वर के नाम से उधर शिव जी मंदिर के बगल में। और ये धर्मशाला जैसे हवन वगैरह कुछ होता है तो इधर पर उसकी व्यवस्था की जाती है। और इधर का मैदान जो कि सावन के महीने में लगभग पूरा रहता है इधर पर आदमी बहुत लोग आते हैं। शिव जी का मंदिर है और ये पीछे के मंदिर इधर पर और भी मंदिर हैं पीछे जैसे देख रहे हैं। और ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग हर एक शिवलिंग का एक एक फ़ोटो लगा हुआ है। चलो आपको थोड़ा दूर से दिखाने की कोशिश करते हैं फ़ोटो देख आप लोग देख ही पा रहे होंगे लगभग हर एक शिवलिंग का फ़ोटो होगा इधर पर। और फिर आगे अपन लोग देखेंगे आगे जो नंदी महाराज है हमेशा आपने सुना होगा शिव जी की ओर मुख करके बैठते हैं कि इधर पर ऐसा ही है। देख रहे हैं सामने शिव जी मंदिर है। और इधर पे कीर्तन वो भवन अगर कोई भी कीर्तन करना चाहता है तो इधर बैठ के अपना भजन करता है। और एक और छोटा सा मंदिर और इधर पे महाप्रसाद वितरण का वो है और ये वेदी हवन। और फिर थोड़ा हमने अपना खुद महाकाल के साथ एक छोटा वीडियो बनाया। हाँ वैसे कौन कौन इधर गया है तो ये लोग कमेंट करके बता देना भाई लोग आप लोग कौन कौन इधर आया है और कौन कौन किधर से भी बता देना। फिर मंदिर के पीछे गए तो ये उधर का नदी है मंदिर के पीछे का क्योंकि इधर पे अभी तो पानी ठहरा हुआ है थोड़ा तोला चल रहा। उस साइड भी कुछ मंदिर हैं आप देख रहे हैं लेकिन उधर पानी की वजह से नहीं निकल पाएंगे। और फिर अपन लोग घूम घाम के फिर से आगे मंदिर के सामने का एक अब गाड़ी निकाल के अपन वापसी घर आएंगे। और चलो आपको थोड़ा इधर का मार्केट भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इधर का मार्केट अगर कुछ सामान वगैरह खरीदना होता है तो आदमी इधर से खरीदते हैं। चलो ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम जय श्री महाकाल। सपोर्ट करिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब।